नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आप थोड़े अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। हरदोई में गन्ने के खेत में पड़ा मिला अज्ञात युवती का जंगली जानवरों से खाया हुआ शव। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। थाना चढ़ियावा क्षेत्र के सरखना गांव के पास का है ये पूरा मामला। रायबरेली में डायल 112 विभाग ने जगह जगह लगाए जागरूकता कैंप। कैंप में टॉफी चॉकलेट के साथ साथ गेम्स खेलने की भी रही सुविधा। वहां से गुजर रहे लड़के लड़कियों को बुलाकर 112 विभाग के कर्मचारियों ने बांटी टॉफी, दी 112 के बारे में जानकारी। रामपुर में मदरसा जमीतुल अंसार में सेमिनार का हुआ आयोजन। धार्मिक दृष्टि में हिजाब और नकाब विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। सेमिनार में मुस्लिम महिलाओं और छात्राओं ने रखे अपने अपने विचार। फतेहपुर के दलीपुर गांव में रास्ते में पानी बहाने का विरोध देखने को मिला। पारिवारिक परिजन और अपने दो बेटों के साथ मिलकर भतीजे पर जानलेवा हमला करते नजर आए। हमले में भतीजे की मौत हो गई है। तीन लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नए साल के जश्न को लेकर हरदोई में अलर्ट। आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवाओं का हुआ मॉक ड्रिल। डायल 112 फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस का हुआ मॉक ड्रिल। एसपी राजीव त्रिवेदी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल। शहर के सिनेमा चौराहों पर रेस्पॉन्स टाइम का भी हुआ ट्रायल। हरदोई में लगातार जारी है सर्दी का सितम। कोहरे के साथ बर्फीली हवाओं से बढ़ी सर्दी। कल भी लोगों को शीतलहर और भीषण सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। दिन में अंधेरा सा छाया रहा। पूरे दिन में कोहरा ही कोहरा नजर आया। कुशीनगर में नए साल को लेकर भीड़ को देखते हुए कई रूटों पर किया गया डायवर्जन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कुशीनगर के सभी मंदिरों, होटल्स, पर्यटकों का हुआ स्वागत। आजमगढ़ के अजमतगढ़ में आर्किटेक्ट को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। परिजनों का आरोप, चौकी प्रभारी ने की हत्या। बीते कई दिनों से पैसे की वसूली को लेकर युवक को दे रहा था धमकी। झांसी के मऊरानीपुर में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। तो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मगर पहुंची एम्बुलेंस, घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया भर्ती। प्रतापगढ़ के गोरखपुर अनवर हॉकी सोसाइटी के संरक्षक आईपीएस अमित सिंह की हुई पदोन्नति। पदोन्नति होकर उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पहुंचे संरक्षक आईपीएस हॉकी खिलाड़ी अनवर खान ने दी बधाई। आगरा के रकाबगंज में बैंक से 1,30,00,000 रुपए लेकर कर्मचारी हुआ फरार। पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए किया खुलासा। लगभग 85,00,000 रुपए बरामद। आरोपी के ममेरे भाई समेत 6 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। उन्नाव में गैंगस्टर मोइन और कादिर की 50,00,000 की संपत्ति की हुई कुर्की। प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। वांछित आरोपियों के ऊपर कई गंभीर धाराओं में SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा हुआ है दर्ज। फतेहपुर में चक इटैली गांव में खेतों में पानी लगाने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मौत की सूचना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। हदगांव थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव में मजबूर किसान फसलों को बेचने के लिए खुले आसमान के नीचे काट रहे सर्द रात। मवेशियों की झुंड फसलों को कर देती है बर्बाद। महुआ में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। डीएम को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित करता हुआ ज्ञापन। जल्द से जल्द गठित आयोग से टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की करी मांग। सुल्तानपुर में ब्लॉक ऑफिस में घुसकर विकलांग अकाउंटेंट को प्रधानों ने जमकर पीटा। मुकदमा दर्ज होने पर ब्लॉक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रधान। वीडियो और अकाउंटेंट के हटाने की रखी मांग। जांच और कार्रवाई के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना। मैनपुरी की कोतवाली पुलिस ने सुनार की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो छात्र चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी तादाद में जेवरात, 9 मोबाइल फोन भी हुए बरामद। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को भेजा जेल।
उन्नाव में बदमाशों ने किशोरी के गले पर गोली मारकर नए वर्ष में उन्नाव पुलिस का किया स्वागत। गंभीर घायल युवती को परिजनों ने बांगरमऊ सीएचसी में कराया भर्ती। युवती के गर्दन से आर पार हुई गोली, परिजनों के मुताबिक अज्ञात लोगों ने मारी है गोली। हरिद्वार में नए साल पर पुलिस ने जनता को दिया तोहफा, 201 लोगों के खोए हुए फोन को बरामद करते हुए किया वापस। लोगों में दिखा खुशी का माहौल, 33 लाख के हैं सभी फोनों की कुल कीमत। कुशीनगर के विशुनपुरा नहर के पास खड्डा पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी तादाद में अवैध हथियार और पशुओं की जिब्बह करने वाले हथियार बरामद कर लिए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन का कार्यक्रम। जनता दर्शन में भारी तादाद में पहुंचे फरियादी, दूर दराज से आए फरियादियों ने सुनाई अपनी फरियाद। लखनऊ में ठाकुरगंज के सराय माली खान में पुरानी रंजिश के चलते दर्जन भर दबंगों ने पोलो गाड़ी पर सवार दो युवकों पर हमला किया और गाड़ी को तोड़फोड़ डाला। मामले की जानकारी पाते ही ठाकुरगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय में बैठे सीएम योगी की गोद में बिल्ली नजर आई, और जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ खूब दुलार कर रहे हैं। अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। लखनऊ में ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोरड़िया ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की बधाई। नए साल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम, जगह जगह बैरिगेटिंग से साथ ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात। सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस रख रही है पैनी नजर। पुराने लखनऊ में ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोरड़िया, डीसीपी वेस्ट चन्नप्पा, एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, एसीपी आईपी सिंह के साथ में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। इटावा एकदुल कस्बे के मोहल्ले ठेर में आधी रात के समय मस्जिद में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने समरसेबल के पानी से आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया मस्जिद में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग से काफी नुकसान पहुंचा है। इटावा के डाम आवास में लगभग 6 फीट लंबा सांप पेड़ से लिपटा हुआ मिला, जिसकी सूचना वन्य जीव विशेषज्ञ आशीष त्रिपाठी को दी गई। उन्होंने मगर पहुंचकर सांप को पकड़ा और जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया है। इस दौरान डीएम अविनाश राय और उनकी पत्नी श्वेतांबरी राय भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री के आने से पहले बैठक हुई है। भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं। धर्मपाल सिंह बैठक कर रहे हैं, कल लखनऊ आएंगे। बीएल संतोष, इसी से संबंधित बैठक है ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल लखनऊ आएंगे बीएल संतोष, बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री के आने से पहले इस बैठक के बहुत से मायने माने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह ये बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी है, बीजेपी मुख्यालय पर यह बड़ी बैठक चल रही है। बीएल संतोष के आने से पहले, राष्ट्र महामंत्री के आने से पहले यह बैठक चल रही है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, साथ में धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल राजधानी आने वाले हैं बीएल संतोष। आगामी निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव और आगामी आने वाले इवेंट्स को लेकर के किस तरीके से रहेंगी सूबे की तैयारियां, किस तरह बीजेपी ग्रास रूट लेवल पर काम करेगी, इन तमाम जानकारियों पर अपडेट और मंथन के साथ ये बैठक बेहद खास रही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अनूप कुमार सिंह ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? बैठक बेहद खास है क्योंकि कल बीएल संतोष आने वाले हैं, उसके पहले भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह दोनों ही बैठक में मौजूद हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक है क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का कल लखनऊ दौरा है। निश्चित रूप से जो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थी, वो चाहे निकाय चुनाव पन्ना प्रमुख की बात करें या समितियों की बात करें, उनका लेखा जोखा लगातार बैठकों के माध्यम से लिया जा रहा था। आज जो बैठक में इस बार जो अभी तक की क्या तैयारी हुई है, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद कल
बीएल संतोष जब एक बड़ी बैठक संगठनात्मक लेंगे तो उसमें रिपोर्ट का भी उसमें सौंपी जाएगी और अभी तक किस तरीके से इस पर काम हुआ है निकाय चुनाव को लेकर के, चुनाव बढ़ चुका है ऐसे में और कितनी तैयारी करनी है, निचले स्तर से क्या हकीकत है, एक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि जो क्षेत्र में जो जो पन्ना प्रमुख हैं या फिर मंडल अध्यक्ष हैं उनकी एक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर हकीकत क्या है वर्तमान में जो धरातल पर, वो रिपोर्ट बनने के बाद फिर एक नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि इस पे काम करना है। दूसरा, प्रदेश में जो खाली निगम बोर्ड और आयोग और बोर्ड के जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए एक जब बीएल संतोष यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो इससे पहले ही एक संगठनात्मक बैठक आज संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र चौधरी ये तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही कि इस पर आगे अगर बीएल संतोष इस पर बात करते हैं तो किन किन नामों पर चर्चा की जाएगी, उनकी रिपोर्ट क्या है, उनकी संगठन में भागीदारी क्या है, इन सब चीजों को लेकर के एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के बाद अभी निष्कर्ष थोड़ी देर बाद निकलेगा कि किन मुद्दों पर बैठक हुई है और क्या क्या बैठक में चर्चाएं हुई हैं। बिल्कुल अनूप, देखिए बीएल संतोष जब भी राजधानी का रुख करते हैं और उनके साथ में बैठक होती है तो उसके अगले ही क्षण या यूं कहें कि अगले ही दिन किसी तरह के आमूलचूल परिवर्तन भी नजर आते हैं। अगर हम बात करें आगामी चुनावों की या बात करें निगम के चुनावों की, क्योंकि अभी तो खैर थोड़ा समय है उसमें, लेकिन क्या आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं? और दूसरा विषय ये भी है अनूप कि देखिए कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बीजेपी का होल्ड अभी कमजोर है, क्या उन क्षेत्रों में नई नियुक्तियां हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से लगातार संगठनात्मक बैठक हुई है वो चाहे भाजपा की कमजोरी हो या कमजोर क्षेत्र बचा हो, अभी आपने हाल में ही चुनाव देखा होगा उपचुनाव में किस तरीके से भाजपा का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा नहीं रहा है, उसको कमी कहां पर रह गई, इसका तो मंथन लगातार चल ही रहा है। लेकिन उससे भी साथ ही साथ अभी जो उत्तर प्रदेश का जो भाजपा का संगठन है उसको भी अभी उसका भी समय सीमा समाप्त होने वाली है, निश्चित रूप से आने वाली जो नगर निकाय चुनाव से पहले अगर संगठन को कोई बदलाव की जरूरत है तो उस पर भी चर्चाएं हो सकती है इस बीएल संतोष की बैठक में। और साथ ही साथ सबसे जो बड़ा फोकस है वो, क्योंकि शहर की सरकार बननी है, शहर की सरकार 2024 के चुनाव में बहुत कुछ कह देगी, तो ऐसे में भाजपा पूरी कोशिश पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से ओबीसी का एक मोर्चा गरमाया हुआ है, विपक्ष लगातार सरकार पर चीटाकसी कर रहा है, सरकार के पर तमाम तरीके से आरोप लगा रहा है, तो निश्चित रूप से वो ओबीसी का जो वोटर्स है वो भाजपा एक बार फिर से लेने की कोशिश करेगी और लगातार भाजपा का जो मंथन है, जो पासवानदा समाज के मुसलमान है उनको भी कहीं ना कहीं 2024 के पहले अपने साथ लेना है, तो तमाम तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अब देखने वाली बात पूजा यही होगी कि क्या भाजपा की ये बैठक या फिर जो काम कर रही है वो कितना कारगर होगी, फिलहाल आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे पूजा। बिल्कुल अनूप, बने रहिए हमारे साथ में, अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे थे, बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय महामंत्री के आने से पहले ये बड़ी बैठक थी और इस बड़ी बैठक के अपने आप में कई मायने हैं। बीजेपी बिल्कुल भी होल्ड नहीं खोना चाहती है उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी का वर्चस्व अभी भी कमजोर है, यही वजह है कि ग्राउंड जीरो पर ग्रास रूट लेवल पर अभी से काम शुरू हो गया है और बीएल संतोष का दौरा इस बात को और ज्यादा प्रमाणित भी करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, राज्य सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला है, एक साल के लिए निःशुल्क उपलब्धता होगी, चावल गेहूं मोटा अनाज मुफ्त दिया जाएगा। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री का ऐलान याद होगा, उन्होंने कहा था कि जो खाद्यान्न वितरण है केंद्र सरकार की तरफ से वो 80 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है और वो अभी एक साल के लिए और जारी रहेगा। ठीक उसी का पाठ है उत्तर प्रदेश में भी, राज्य सरकार की तरफ से ये लिया गया निर्णय, चावल गेहूं मोटा अनाज मुफ्त दिया जाएगा और एक साल के लिए ये योजना यथावत रहने वाली है। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनूप देखिए अभी केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 80 करोड़ परिवारों को जो खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चल रहा है वो यथावत रखा जाएगा और आज राज्य सरकार ने भी ये बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए पूजा, इस बात को हम थोड़ा पीछे जाकर उठाना चाहेंगे क्योंकि अभी आपने 2024 का चुनाव देखा होगा, उसमें जब 2024 के पहले भाजपा की हालत कुछ बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश में नहीं बताई जा रही थी, जो राजनीतिक पंडित थे वो समाजवादी पार्टी को काफी मजबूत बता रहे थे, लेकिन
जब गांव में लोगों को अनाज फ्री मुफ्त में मिल रहा था, कोरोना काल में लोगों ने मुफ्त अनाज पाया, तो बिल्कुल। और अनूप 2022 में कहीं ना कहीं इस योजना ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि कहा जा रहा था बीजेपी के लिए जिस तरीके से अंडरकरंट है वो अंडरकरंट कवर अप करने का काम इस योजना ने किया था। बिल्कुल, ये जो योजना काफी सफल भी रही भाजपा के लिए, वो एक रामबाण बन के साबित हुई है। निश्चित रूप से वही वजह है क्योंकि 2023 तक एक साल के लिए जहां केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में जिस सरकार है वो जो गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले हैं उनके लिए मुफ्त एक जो राशन वितरण के लिए जो आदेश दिए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो 2022 के पहले जो जिस योजना ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, एक दोबारा एक बार फिर से सरकार बनी है, तो मुझे लगता है 2024 की तैयारी ही, जहां केंद्र सरकार ने एक बार मुफ्त राशन का जो फैसला लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं पीछे हटकर नहीं देख रही है और लगातार जनता के लिए जो गरीब परिवार हैं जिनके लिए राशन एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, तो उनके लिए मुफ्त राशन कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पूजा ये मुफ्त राशन का जो एक बार भी 2024 में काम करेगा जैसे 2022 के पहले किया था, हालांकि 3 महीने के लिए 2022 में सरकार बनी तो 3 महीने के लिए वो राशन फिर से कर दिया सरकार ने, सबसे बड़ा फैसला शपथ ग्रहण के बाद लिया था। तो ये एक बड़ी सरकार की योजना है जनता की, जो लाभदायक है और जनता के हित में है, क्योंकि ये सीधे जनता को मिलता है और सीधे जनता इससे लाभान्वित हुई होती है। अब 2024 में देखने वाली बात पूजा ये होगी, या केंद्र सरकार से जो राशन फ्री मिल रहा है, या राज्य सरकार ने जो अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन फ्री दिया है, ये कितना कारगर हो पाएगी, क्या इसका लाभ भाजपा को एक बार फिर से मिल पाएगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जरूर से साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी, एक साल के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा मोटा अनाज, चावल गेहूं सहित वो तमाम अनाज जो अभी तक बीपीएल कार्ड धारकों को मिल रहा था वो निःशुल्क ही मिलेगा। बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं आपको। लखनऊ से बड़ी खबर है, नए साल पर मायावती का करारा हमला, बीएसपी सुप्रीमो ने सभी पार्टियों को घेरा है, ओबीसी आरक्षण पर बोली बीएसपी सुप्रीमो, बीजेपी कांग्रेस और सपा आरक्षण विरोधी, ये कहना है मायावती का। आज का यही कड़वा सच है, यही आज का कड़वा इतिहास है, आरक्षण सही से लागू करने की चुनौती दी है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि बेहद बड़ी खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मायावती जब भी ट्वीट करती हैं तो लंबा चौड़ा ट्वीट करती हैं, तफसील से ट्वीट करती हैं और घेरने का काम करती हैं। नए साल का पहला दिन और पहले दिन मायावती की तरफ से बम्बार्टमेंट, आरक्षण को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर सपा, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, 2023 शुरू हो चुका है और एक साल यानी कि सिर्फ अगला जब नंबर आएगा 2024 होगा और तब लोकसभा के चुनाव होंगे, इसी रणनीति पर सभी जो राजनीतिक दल हैं वो जुटे नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हाईकोर्ट ने जिस तरह से अपना निर्णय दिया उसके बाद से ओबीसी किसके पाले में बैठेगा इसकी होड़ मची हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दुविधा में जरूर है कि ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव कराते हैं तो एक बड़ा तबका उसे छिन सकता है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को सभी पार्टियां बुलाना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सभी लोग अब ओबीसी के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन और रूपरेखा की बात भी हो रही है। फिलहाल अभी जिस तरह से सेल्फी फाइल की गई है, कल उस पर सुनवाई होनी है, अब अगर एक्सेप्ट नहीं होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को रिटेन करता है, उसके बाद सामान्य सीटों का अगर चुनाव कराना पड़ जाता है योगी सरकार को, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट लग सकता है। यही वजह है कि आप ओबीसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी हो रही है, सभी अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में भी प्रदेश अध्यक्ष में नियुक्त किया, वो भी ओबीसी वर्ग से थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन देखना होगा कि ओबीसी आखिर कितने पाले में बैठेगा और 2024 में किसकी नैया पार लगाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो ओबीसी पर सभी अपना अपना दाव चल रहे हैं, लेकिन ओबीसी आखिरकार किसके पाले में जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी और राजनीति की धुरी भी इस समय ओबीसी वर्ग ही सूबे में बना हुआ है।
बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देहरादून से देंगे। बालिका आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। लोकार्पण किया है सीएम ने, बच्चों को नए साल की बधाई भी दी है। 11 बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करेंगे, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड प्रदेश में ऐसे ही विद्यालय खोले जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बालिका विद्यालय का लोकार्पण किया है और साथ में कहा है कि ऐसे ही 11 बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर, मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत, मशहूर क्रिकेटर जिनका अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, उपचाराधीन चल रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि खतरे से बाहर बताए जा रहे थे, लेकिन उनको देखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हैं। ऋषभ पंत की माताजी से उन्होंने सीधे तौर पर फोन लाइन पर बातचीत की थी और कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए कि ऋषभ जल्दी ठीक हो जाएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो ऋषभ को दिल्ली भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। हालांकि डीडीसीए ने साफ तौर पर कहा है कि अब आगामी जो भी फैसला होगा ऋषभ के इलाज का, वो फैसला बीसीसीआई करेगी, लेकिन इलाज का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार ने खुद ली है। इस बीच हॉस्पिटल पहुंचे हैं और ऋषभ पंत का हालचाल भी जाना है। कल काफी दिग्गज नामी लोग भी पहुंचे हुए थे ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए, और इस बीच कई तरह की चीजें सामने आई कि किस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ है और किस तरीके से उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।